नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा। आज हम बात कर रहे हैं हल्दी पर। पिछले कई दिनों से हल्दी के अंदर में एक तेजी का मोमेंटम बना है और हल्दी इस बार मसालों के अंदर सबसे सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाली कमोडिटी बन गई है। साल की अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो जो हल्दी 6000 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रही थी, आज 18000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर कारोबार कर रही है, यानी कि 3 गुना से ज्यादा का रिटर्न इसमें आ चुका है, 300% से ज्यादा का रिटर्न इसने दे दिया है। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या, चूंकि हल्दी इस समय पर अपने जीवन के सबसे उच्चतम स्तर के ऊपर कारोबार कर रही है, ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रही है, तो क्या अभी हल्दी की कीमतों में और तेजी बनना बाकी है? हो सकता है कि हल्दी भी जीरे की तरह जीरे के रास्ते के ऊपर चलती हुई ऐसे स्तर दिखा दे जिसकी कल्पना शायद किसी ने की हो, क्योंकि तेलंगाना के अंदर में हल्दी बोर्ड बनने के बाद से ये मोमेंटम हमने लगातार देखा है और साथ ही साथ हल्दी की कीमतों के अंदर में हमने इजाफा 2010 के बाद ऐसी रैली आते हुए देखी है। 2010 में यह रैली आई थी जिस समय पर 14000 रुपए के ऊपर हमने हल्दी को कारोबार करते हुए देखा और उसके बाद इस साल 2023-24 की अगर हम बात करें तो 2023 के भी अंदर हमने 14000 रुपए के ऊपर हल्दी को कारोबार करते हुए देखा। थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया लेकिन हल्दी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 2024 के अंदर पहली बार हल्दी ने 18000 रुपए के स्तर को पार किया है। ये एक बड़ी घटना है हल्दी के पूरे इतिहास के अंदर। हल्दी की डिमांड इस समय पर लगातार बनी हुई है और साथ ही साथ हल्दी के प्रोडक्शन के अंदर हमने जो 20-25% की गिरावट आते हुए देखी उसका ये असर दिखाई देता है। हल्दी का एक्सपोर्ट लगातार बना हुआ है और हल्दी की कीमतों के अंदर में इस समय पर जो इजाफा देखने को मिला है उससे लगातार मोमेंटम बनते हुए हम देख रहे हैं। मार्केट टाइम्स टीवी की रिपोर्ट ये कहती है कि हल्दी के कारोबार के अंदर में जल्द ही 20000 रुपए के एक स्तर दिखाई देंगे और हल्दी के ऊपर मार्केट टाइम्स टीवी ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश भी किया था, बहुत से इसके ऊपर पे वीडियो भी जारी किए थे और एक बार फिर से मार्केट टाइम्स टीवी इस बात की तस्दीक करता है कि हल्दी की कीमतों में अभी और इजाफा आना बाकी है, क्योंकि प्रोडक्शन डाउन है, डिमांड लगातार बनी हुई है, मंडियों के अंदर अराइवल्स जो हैं वो रुके हुए हैं, किसानों ने भी माल को इस समय पर रोक रखा है, जिसकी वजह से एक तेजी बनते हुए हम यहां पर देख रहे हैं। यहां पर मार्केट टाइम्स टीवी ये एक्सपेक्ट करता है कि वायदा कारोबार के अंदर में जो आज सर्किट लगा है, जी हाँ, गुरुवार के दिन आज जो ऊपर का सर्किट देखने को मिला है इसका मोमेंटम लगातार बरकरार रह सकता है। हल्दी में जो 4.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है मार्च वायदा के अंदर, और अगर हम नेक्स्ट वायदा की बात करें तो वहां पर 5.5% की जो इजाफा देखने को मिला है उसका इम्पैक्ट हाजिर बाजार के अंदर भी दिखाई देगा और साथ ही साथ ये जो स्तर है ये 20000 रुपए के, ये जल्द ही आपको नियर फ्यूचर के अंदर, हो सकता है मार्च के अंदर ही आपको ये स्तर भी देखने को मिल जाए।